नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब मार्केट ट्रेंड नहीं करता है, मींस रेंज में होता है या बहुत वॉलेटाइल होता है, तो उस समय पे आपको ट्रेड्स कैसे लेने हैं। तो देखो, हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जैसे कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, सपोज हम सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं, हम इचीमुक यूज कर रहे हैं, या हमारे कुछ और हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे कि कोई भी इंडिकेटर होता है वो बाई सेल कब बताता है आपको, जब वो थोड़ा सा मार्केट ऑलरेडी ऊपर चल जाता है तो बाई बताने लगता है, जब मार्केट थोड़ा सा गिर जाता है तो वो सेल बताने लगता है। तो उस टाइम पे अगर हम एंट्री लेते हैं, मान लो अगर हमने थोड़ा सा ऊपर जाने पे बाई एंट्री लिया, हमने बाई एंट्री लिया क्योंकि हमारा इंडिकेटर बाई बता रहा है। जैसे सुपर ट्रेंड बहुत सारे लोग आजकल यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही वो बाई बता रहा है, हमने बाई लिया, उसके बाद देखते हैं कि हम वो उस खट से नीचे आ गया और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर्ड हो गया। फिर हमने सेल लिया, फिर वही चीज हुई, सेल का सिग्नल हमें मिला और फिर से मार्केट ऊपर चला गया और हम फिर से ट्रैप हो गए। तो उस सिचुएशन पे आपको कैसे ट्रेड करना है, ये बहुत जरूरी है जानना। और दोस्तों, मैं एक बात बोलूं कि थोड़ी टाइम की कमी है मेरे पास में, तो वीडियो बनाने के लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और कभी भी मैं जो वीडियोज बनाता हूं, मैं उसके लिए कभी प्रिपेयर नहीं करता हूं कि नहीं मुझे ये बोलना है वीडियो के अंदर, या मैं ऐसे ऐसे ये चीज़ बताऊंगा चार्ट पे। क्योंकि देखो, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, लाइव मार्केट होता है, तो हमें पता नहीं होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो ये कोई एग्जाम नहीं है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ जी हमें ये आंसर देना है, ये ऐसे क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो मार्केट आपसे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेगा और उनको हमें आंसर करना है, दैट मींस हमें ट्रेड करना है। तो मैं कोई प्रिपेयर नहीं करता हूँ कोई वीडियो बनाने से पहले, मैं जस्ट कोई भी एक रैंडम चार्ट उठा लेता हूँ, सो दैट कि मैं नई से नई चीज़ें बता पाऊँ। क्योंकि अगर मैं पहले से दो तीन चीज़ें अच्छी सी देख लूंगा और वो आपको बता दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कभी प्रिपेयर नहीं करता वीडियो बनाने से पहले कि मुझे ये बोलना है ये नहीं बोलना है। मैं बस लैपटॉप खोलता हूँ, रिकॉर्डिंग लगाता हूँ, और इवन मैं वीडियो एडिट भी नहीं करता क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, जैसा मैं बता रहा हूँ। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊँगा हम ट्रेंड लाइन और चैनल्स के थ्रू कैसे ट्रेड करेंगे। यानी जब मार्केट इस तरह का मूव दे रहा है, मार्केट रेंज में है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें चैनल्स और हमें ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड करना है। वो कैसे करना है, वो आप कभी भी देखेंगे वो हमेशा यूज में रहेगा। तो देखो, आप सबसे पहले ट्रेंड लाइन समझ लो। जैसे आप देख रहे होंगे कि प्राइस, अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ये प्राइस इसके ऊपर आते हैं। ये क्रूड ऑयल है, ये कॉमेक्स वाले रेट हैं। आप देखते होंगे कि क्रूड ऑयल यहाँ पे आता है और उसके बाद में इस लाइन पे दोबारा इसने सपोर्ट लिया है, और इसको हम एक्चुअली ट्रेंड लाइन बोलेंगे, ठीक है। जैसे बार बार देखो, यहाँ पे ये आ रहा है और इसके बाद में यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से ही सपोर्ट लेके वापस हो गया, अगेन देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे देखो इस वाली ट्रेड की अगर बात करूँ तो ये मेरे को आइडिया था कि शायद ये यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि आजकल मार्केट वैसा ही है, नीचे की तरफ जाता है लोग सेल करते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है, मार्केट ऊपर जाता है लोग बाई करते हैं, मार्केट सेल हो जाता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम दो ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते थे, एक हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे, ओके। तो देखो इसने कितने परफेक्टली काम किया है, जब ये एक बार यहाँ पे आया, उसके बाद ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ आया, मे बी कि हम इस मूव को नहीं कैच कर पाए, बट हम ये वाला कैच मूव कर सकते थे, ये वाला बाइंग वाला एंड ये सेलिंग वाला, एंड अगेन यहाँ पे फिर हम जो बाइंग वाला मूव है वो हम कैच कर सकते थे, क्योंकि ये इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। प्राइस ऊपर जा रहे हैं, बट ये कैसे जा रहे हैं ऊपर, बहुत स्लोली स्लोली, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इवन अगेन ये मुझे लगता है कि फिर से ये इसको यहाँ कहीं टच करेंगे, और एक हम इसमें एक मिडिल में हम लाइन ले सकते हैं, देखो जहाँ से आपको क्या लगेगा कि समटाइम्स वहाँ पे ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मिडिल में आप एक लाइन ले लो, देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेता हूँ। देखो एक बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया, जैसे देखो बार बार ये यहाँ पे, मतलब इतने अच्छे से यहाँ पे नहीं हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब ये नीचे आ रहा था तो ऊपर ही जा रहा था, ऊपर आके फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहा था, फिर नीचे जा रहा था, यानी यहाँ पे एक ही कंसोलिडेशन टाइप का कुछ कर रहा था, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, कोई और चार्ट खोलते हैं,
देखो जैसे सपोज एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखो इसने भी काफी टाइम इसको फॉलो किया है कि ये जो है इसके ऊपर नहीं जा रहे थे रेट। हाँ देख रहे हैं आप बार बार, देखो ये यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस ले रहे थे फिर नीचे जा रहे थे, मतलब मार्केट नीचे जा रहा था बट कर क्या रहा था वो, बार बार यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, सॉरी इस पे रेजिस्टेंस ले रहा था और बार बार नीचे गिर रहे थे। बट जैसे ही इसने एक बार ये प्राइस, ये वाली जो लाइन है इसको ब्रेक कर दिया, देन देखो इसने ये लाइन जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी फिर इसने सपोर्ट की तरह काम किया, फिर प्राइस ऊपर जाने लग गए। देखो एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे को मिला है, अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये MT4 प्लेटफॉर्म है बेसिकली, देखो कितने अच्छे से प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेके बार बार ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि अभी ब्रेक होने वाला है नहीं, और देखो ये बहुत एक्यूरेट नहीं होगा, कभी प्राइस थोड़े ऊपर से भी चले जाएंगे, कभी प्राइस थोड़े नीचे भी आ जाएंगे, बहुत एक्यूरेट नहीं होगा, बट हाँ आपको आइडिया लग सकता है। मे भी मान लो आप यहाँ बाई करना चाहते हो तो बेटर है कि थोड़ा ऊपर जाने लगे तब बाई करो आप। ठीक है, और देखो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक करी इसने, ठीक है ये प्राइस थोड़े से ऊपर थे, फिर इसने जब ये लाइन ब्रेक किया तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया है काफी। ये मूवमेंट एक्चुअली मैंने पिक भी किया था दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में। देखो एक लाइन हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम चैनल बोल देते हैं, ये ट्रेंड लाइन बोल देते हैं हम। ठीक है, जब दो लाइन के बीच में एक चैनल जैसा बन जाता है तो इसको हम चैनल बोल देते हैं। मैं कोई और भी एग्जांपल्स लेता हूँ इसमें, अब मैं खोलता हूँ एनजी। एनजी भी आजकल ऐसा ही मूव दे रही है, बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं कर रही है वो, बार बार रेंज में। देखो जैसे ये देखो क्या परफेक्ट मूव दिया है इसने। ठीक है, और हालांकि मैंने ये सारे मूव पिक किए हैं ऑलमोस्ट, और देखो एक यहाँ पे बहुत ही छोटे समय के लिए ट्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस लिया था नीचे भी। देखो देखो मे बी कि आपको बिल्कुल नीचे से या ऊपर से सेल बाई करने को ना मिले। ठीक है, देखो समटाइम्स इसने यहाँ पे जैसे ये एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए इसने ये जो सपोर्ट था इसका वो थोड़ा सा ऊपर हट गया था यहाँ से, देखो अगेन ये यहाँ पे अभी सपोर्ट लाइन पे है। एक बार ये इसको ब्रीच करके थोड़ा ऊपर भी गए प्राइस, बट देखो इसने काफी अच्छे से फॉलो किया है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को। इसने प्राइस इसी तरह से मूव हो रहा है आजकल कमोडिटीज के, मतलब ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। आप कुछ भी इंडिकेटर लेके बैठे हो, कुछ भी बाई सेल लेके बैठे हो, आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका ही नहीं मिलता, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता, डिसीजन लेने का टाइम भी नहीं मिल पाता एक्चुअली, या प्राइस इतने तेजी से मूव होते हैं कि आपने कुछ टारगेट लगा रखा होता है, 5 मिनट के लिए आपकी नजरें हटती हैं और कुछ से कुछ हो जाता है मार्केट में। इसमें एक कोई और एग्जांपल देता हूँ, चलिए कोई और चार्ट खोलते हैं, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड भी आजकल वही कर रहा है, देखो देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन जरूर बन जाएगी। देखो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा बुलिश हो गया है, अगर मैं एक लाइन थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ चार्ट को, सो दैट और क्लियर पिक्चर होगा आपके सामने, गलत जगह हो गई है। देखो एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, इसने काफी समय तक ये प्राइस इस लाइन पे, थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ, काफी समय तक इस प्राइस ने, प्राइस नीचे थे और इस लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहे थे, लेकिन देखो जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया है तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और देखो प्राइस काफी ऊपर आ गया, यानी अच्छा बाइंग सिग्नल था यहाँ कहीं पे अगर हम बाई करते तो। ओके कुछ और एग्जांपल्स मैं भी आपको देता हूँ, देखो एक लाइन हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, काफी टाइम तक देखो प्राइस ऊपर थे, ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, बट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है इसने, देखो फिर ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, थोड़ा ये यहाँ से नीचे भी गिरे हैं
फिर ऊपर गए तो इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। चल देखो, अभी एक क्रूड का चार्ट था तो जिस तरह से मूव दे रहा था तो आइडिया था कि हाँ जी ये वापस से रिवर्सल लेगा, और वही हुआ। यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया और वापस से प्राइस ऊपर चले गए, क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा है तो लोग बाई कर रहे हैं, और ये फिर से नीचे आ जाता है सेल कर रहे हैं तो फिर से ऊपर चला जाता है। यही सब चल रहा है आजकल एक्चुअली इसमें। तो देखो, ट्रेड करने का बहुत सिंपल तरीका है, जब भी आपको लगे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, प्राइस ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ये लगा के आप बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। और चलो एक एग्जांपल और कोई देख लेते हैं, सिल्वर के अंदर देखो, ऑलमोस्ट ये भी काफ़ी समय के लिए इसने एक ट्रेंड लाइन फॉलो करी है यहाँ पे, बट इसने एक बार जब यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया तो अच्छा खासा यहाँ पे भी एक बाइंग का सिग्नल मिला है हमें। और जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अच्छा खासा मूवमेंट आता है, मतलब वन साइडेड अच्छा मूवमेंट मिल जाता है हमें। तो जैसे मान लो अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है तो हम लंबे टारगेट के लिए यहाँ पे प्रॉफिट का वेट कर सकते हैं। कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर ही। देखो जैसे यहाँ पे भी काफी समय तक के लिए यहाँ पे इसने सपोर्ट को फॉलो किया है। देखो एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड में। तो देखो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, लॉजिक्स लगाने हैं, और डेफिनेटली अगर आप फॉलो करते हुए चीज़ें, जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसे समय पे जब मार्केट वॉलेटाइल होता है या रेंज में होता है तो कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो मोस्टली काम नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप बाई करते हो मार्केट नीचे आ जाता है, जब सेल करते हो तो ऊपर चला जाता है। एक बार फॉलो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा बस ध्यान देना है आपको सारे इंडिकेटर भूल के, जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और रेंज में होता है तो एक बार फॉलो करो, आंख बंद करके कोई इंडिकेटर यूज मत करो। अब जो इंडिकेटर के साथ पैसे कमाते हो उससे ज़्यादा कमाओगे डेफिनेटली, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो के अंदर बताने को, क्योंकि आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको फिर देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, या यहाँ पे रेजिस्टेंस है, या यहाँ पे चैनल बन रहा है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करो, वहाँ फ्री कॉल्स मिल जाते हैं और बहुत सारे बेनिफिट हैं वहाँ ज्वाइन करने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।